बहाट के पहाड़ी इलाके से 16 लाशें मिली हैं। लाशें जम्मू तोर छपर में एक मकाम से निकाली गई हैं। लाशें किसकी हैं, तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का। जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, एक माशरा आजाद हो जाएगा। पहली बार बासर लोगों को कानून के नीचे ला रहे हैं। माफिया से जंग चल रही है। सियासी माफिया कानून के सामने मुजाहमत कर रहा है। कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे। वजीर आजम का दोटो का ऐलान, कहा यह मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। वजीर आजम का कहना था कि निजाम की तब्दीली में वक्त लगेगा, क्योंकि स्टेटस को तब्दीली नहीं चाहता। मालियाती स्कैंडल, जहांगीर खान तरीन एफआईए लाहौर में पेश। अली तरीन से भी 1.5 घंटे तक तफ्तीश। मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड ट्रांजैक्शन के हवाले से सवालात, अली तरीन ने तमाम रिकॉर्ड पेश कर दिया। एफआईए ने बाप बेटे को 5-5 सवालात दिए थे। हफीज शेख की हार, जहांगीर खान तरीन का किरदार। तरीन मुखालिफ ग्रुप ने वजीर आजम को खुफिया रिपोर्ट्स पेश की। इल्जाम लगाया कि मखदूम अहमद महमूद के जरिए गिलानी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई। मुश्तरका दोस्त के जरिए तरीन तक वजीर आजम का गिला भी पहुंचाया गया। चंद वफाकी वजरा दोनों के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए कोशां। अशियाए खुरनोश की दस्तियाबी में कमी नहीं होनी चाहिए। बाजारों में चीनी मुकर्रा रेट पर दस्तियाब होनी चाहिए। जखीरा अंदोजों से आनी हाथों से निपटा जाए। वजीर आजम की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। इमरान खान की मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। एफआईए में बड़ा शेकअप होगा, इदारे को एक माह में ठीक कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ऐलान, कहा नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आना चाहें 24 घंटे में खसूसी दस्तावेजात जारी कर दी जाएंगी। नून लीग ने फौज के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की उसकी कीमत अदा करना होगी। सबसे ज्यादा नुकसान फजलुर रहमान को होगा। और मलिका बरतानिया के शॉर्ट ड्यूक ऑफ एडिनबरा शहजादा फिलिप इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 99 बरस थी। शाही फरमान के मुताबिक शहजादा फिलिप बीमार थे, दिल की सर्जरी और इन्फेक्शन के बाइस 28 रोज से अस्पताल में दाखिल थे। उनका इंतकाल आज विंडसर कैसल में सुबह हुआ।